इज ब्रॉट टू यू बाय जायका मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, स्वागत है आपका इनवेस्ट न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। यूपी के अमेठी में घटनास्थल का मुआयना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह पहुंच गए हैं। स्थानीय विधायक भी वहां पर हैं और ये लोग पुलिस के साथ घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि मिर्जापुर में सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। पश्चिम एशिया के हालात पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। पुणे में गैंग रेप की बड़ी घटना हुई है। 21 साल की पीड़ित लड़की अपने दोस्त के साथ घूमने आई थी, जहां पर 3 लोगों ने उसके साथ रेप कर दिया। मध्य पूर्व में तनावपूर्ण हालात पर भारत में फ्रांस के राष्ट्रदूत थेरी मथो ने कहा कि हम इसराइल के खिलाफ ईरानी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि यह बड़ा सम्मान है कि मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसराइल की ओर से लेबनान के कई इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। इसराइल के बड़े हमले में 28 मेडिकल स्टाफ की मौत हो गई है। मध्य अफ्रीकी देश कांगो के पूर्वी हिस्से में केवू झील में कल गुरुवार को सैकड़ों यात्रियों को ले जा रही एक नौका के पलट जाने से 78 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वॉशिंगटन डीसी में कहा कि साल 2014 में जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए हर संभव कदम उठाए थे। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन के अवसर पर झंडेवालान माता मंदिर में आरती की जा रही है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा की पूजा माता ब्रह्मचारिणी के रूप में की जाती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि मेरे मित्र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई से मुलाकात शानदार रही। राहुल गांधी शुक्रवार से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जा रहे हैं। वो 1922 में निचली जातियों को आरक्षण देने वाले सावजी महाराज की धरती कोल्हापुर से चुनावी दंगल का आगाज करेंगे। ईरान इसराइल के बढ़ते तनाव के बीच नेतन्याहू हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी बैठक में ये तय होगा कि इसराइल ईरान को कब और कैसे जवाब देगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी है। आतंकी छिपे हैं, जिनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी प्रिय भाषा का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभारी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया। वाराणसी के मंदिरों से साई बाबा की प्रतिमा हटाने पर महाराष्ट्र बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही जितेंद्रानंद सरस्वती ने राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है। ईरान इसराइल तनाव का अमेरिकी बाजार पर भी असर कम दिखाई दे रहा है, जिससे भारतीय बाजार के लिए भी पॉजिटिव सेंटिमेंट बने हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनवेस्ट न्यूज। नमस्कार।